हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोग को लेकर आ गए हैं ताता पानी, जहाँ पे विशाल शंकर भगवान है और यहाँ पे जल का भी कुंड है और यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। तो सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और ताता पानी का खूबसूरती देखते रहे यहाँ, मुरमुरा खाइए मुरमुरा। और बहुत सारा नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। एक छोटा सा तालाब भी है, देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। सुंदर नज़ारा है, आप सब भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे भोलेनाथ विराजमान है। चलिए, यहाँ का सारा सुंदरता हम आप लोग को दिखाते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, तो बने रहे वीडियो में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ पे अभी बादल किया हुआ है, धूप तो नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही सुंदर वातावरण। चलिए, हम आप लोग को ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पे भगवान भोलेनाथ है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल भगवान। तो बहुत ही सुंदर जगह, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, कह सकते हैं एक अद्भुत नज़ारा। आप लोग को देखना हो तो आप लोग एक बार ताता पानी ज़रूर आए। और यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, इतना सुंदर नज़ारा है कि हम आप लोग को क्या बताएं, एक वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो बहुत ही, कह सकते हैं बहुत ही शुद्ध वातावरण और बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पे। हम लोग भी देखें, यहाँ शिव जी विराजमान है और पास में ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे झूला उला भी लगा हुआ है। आसपास में एक पास में ही एक मंदिर भी है, भोले बाबा, यहाँ पे बड़ा सा भोले बाबा है। और आसपास में आसपास का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आप लोग को देखना हो तो आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आए ताता पानी में, आप लोग देख सकते हैं। अभी बादल किया हुआ है, बहुत ही सुंदर मौसम है और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। तो यहाँ तापेश्वर महादेव, यहाँ पे ताता पानी के नाम से भी जाने जाते हैं, ताता पानी। और यहाँ पर गर्म गर्म पानी का भी हम लोग आप लोग को, यहाँ पर गर्म गर्म पानी भी निकलता है, उसका भी वीडियो हम आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो में आगे तक बने रहें। चलिए, आप लोग को हम गर्म पानी की ओर ले चलते हैं जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। तो यही वो जलकुंड है जहाँ पे गर्म पानी, देखिए अभी पानी पूरी तरह से उबल रहा है और यहाँ भाप भी निकल रहा है पूरे
जमीन के अंदर से आप सब भी देख सकते हैं। गर्म जल का स्रोत सेल्फी डेंजर सर। यहाँ सेल्फी लेना खतरनाक साबित हो सकता है, कृपया सावधानी बरतें, सेल्फी लेना मना है। यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्राची को, ये प्राची अभी इस पे झूलेंगे। नहीं इसमें पानी है। हाँ इसमें पानी जमा हुआ है, इसमें नहीं। तो चलो उस पे झूलेंगे हम लोग, हम उस पे झूलेंगे। और यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं, यहाँ सब लोग झूला झूल रहे हैं। सच में यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। प्राची इस पे झूला झूल, चलो बैठो। यहाँ भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग का प्रारूप यहाँ पे मौजूद है, जैसे में आप लोग सारा देख सकते हैं। श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, विश्वनाथ, वैद्यनाथ सारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अद्भुत दृश्य कह सकते हैं। यहाँ घूमने आए आप लोग भी, और बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। आप लोग भी यहाँ पे घूमने आए, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत सुंदर वातावरण, बहुत ही साफ सफाई है यहाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग को भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।